हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे अंकों का जादू कक्षा 3 की गणित पार्ट 3 कितना सीखा। इससे पहले वाली वीडियो में हमने इस पार्ट 3 का अभ्यास किया था, इस वाली वीडियो में हम करेंगे कितना सीखा। तो बच्चों, ये हमारे क्वेश्चन है, नीचे लिखी संख्याओं को शब्दों में लिखो, ठीक है। तो इनको क्या करना है, शब्दों में लिखना है, फिर क्या है, अंकों में लिखो। तो इनको हम कॉपी पर नोट करते हैं, फिर करते हैं बच्चों। बच्चों, ये क्वेश्चन हमने कॉपी पर नोट कर लिए हैं, तो अब इन्हें हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे है कितना है, तो इसको पीछे से हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। तो क्या है, 4131, क्या है, 4131। यहाँ पर हम लिखते हैं 4131, ठीक है, 131, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 2370। तो 1370 यहां पर है, 1720, 1720, अब यहां पर है क्वेश्चन नंबर घ, 8002, कितना है, 8002, 8489, 8489, 6079। अब बच्चों करेंगे अंकों में लिखो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 5325, 5325। तो बच्चे क्या करते हैं, हमें इसे इजी करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले हम बिंदी रख लेते हैं, क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है। तो यहाँ पर कितने हजार है, 5000 है, ठीक है, हजार वाली बिंदी पर लिख देंगे 5, फिर कितना है, 325, तो सैकड़ा पर 3 बना देंगे और फिर यहाँ पे 25 लिख देंगे, 9700, कितना है, 9700, ऐसे करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ठीक है, कितना हजार है, 9000 है ना, तो यहाँ पे हजार वाली बिंदी पर क्या करेंगे, 9 बनाएंगे, 700 है, तो सैकड़ा वाली स्थान पर क्या बनाएंगे, 7, फिर ठीक है, उसके बाद तो 0 लगा देंगे, 9700 हो गया, ठीक है बच्चों। फिर यहाँ पर है 4001, इकाई दहाई सैकड़ा हजार, कितना हजार है, 4, तो हजार वाली बिंदी पे बनाएंगे 4001, ठीक है। तो एक कहाँ पर आया है, इकाई वाली संख्या पे, इकाई वाली संख्या पे 1 बना देंगे, यहाँ 2 0 बना देंगे। अब हम लिखेंगे दी हुई संख्याओं को विस्तार करके लिखो, ठीक है। तो बच्चों विस्तार से कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पे लिखा है 7000, ठीक है, 7320, तो पहले हम करेंगे 7000 लिखेंगे, यहाँ पर हजार में कितने जीरो होते हैं, 7 लिख दिया, हजार में कितने जीरो होते हैं, 3 होते हैं ना, 3 जीरो लगा देंगे, कितना हो गया, 7000। फिर यहाँ पे प्लस का निशान लगाएंगे जोड़ का, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है,
300 है ना, तो 3 लिखेंगे, फिर 100 में कितने जीरो होते हैं, 2, ठीक है। फिर क्या है, 20 प्लस का निशान, फिर कितना लिखेंगे, 20, ठीक है। इकाई में क्या है, 0, कितना है, 463, तो 400 पहले लिखेंगे, फिर प्लस का निशान लगाएंगे, फिर कितना है, 63 होता है, तो 63 का पहले कितना होगा, यहाँ पे क्या है, 6 है ना, तो पहले 60 हुआ, ठीक है। फिर इकाई में क्या है, 3, फिर 3 हो गया। दहाई में 1 0 होता है ना, इसलिए यहाँ पर 60, फिर प्लस 3, फिर यहाँ पर ऐसे करेंगे, 7001 है ना, पहले 7000, फिर 1, ऐसे यहाँ पर करेंगे 5000 है, 5000, फिर 100 है, प्लस 100, अब यहाँ पर करेंगे क्या है, दी हुई संख्याओं को संक्षेप में लिखो, ठीक है बच्चों। यहाँ पर है 3600, ठीक है, 37, तो इसको हम जोड़ेंगे, पहले क्या लिखेंगे, पहले यहाँ बिंदी रख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है, हजार लिख दिया, कितना 3000 है, यहाँ पे हजार वाली बिंदी पे बनाएंगे 3, फिर कितना है 600, तो यहाँ पे 6 बनाएंगे सैकड़ा वाली बिंदी पे, ठीक है। फिर क्या है, ये दहाई है जो हमारा 30 है, तो 30 का 3 यहाँ पे बनाएंगे, और ये इकाई कितनी है हमारी, इकाई वाले स्थान पर हम ये 7 बना देंगे, कितना हो गया हमारा, 3637। वैसे ये वाला करेंगे, क्या करेंगे, पहले 5000, ठीक है, 5000, फिर 70, फिर प्लस 2 है, तो क्या करेंगे, पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार वाली बिंदी पर क्या बनाएंगे, 5, ठीक है, 5000 है। फिर क्या करेंगे, 70 है ना, तो 70 कहाँ पर है, दहाई पे है, तो यहाँ पर 7 बनाएंगे, इकाई वाली हमारे स्थान पर क्या है, 2 यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, 0, 5072 हो गया, ठीक है बच्चों, जोड़ने पर। वैसे ये वाला करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, हजार हजार कितना है, 8 है, तो 8, हजार वाली बिंदी पर 8 बना दिया। फिर यहाँ पे कितना है, 90, 90 क्या है, इकाई और दहाई पर है ना, तो 9 यहाँ बनाया हमने, ठीक है, एक जो है वो इकाई वाले स्थान पे बना देंगे, एक यहाँ पे बनाया, यहाँ पर क्या करेंगे, 0 बना देंगे। वैसे बच्चों यहाँ पर करेंगे, क्या करेंगे, 1230, फिर ठीक है, 1000 प्लस 200 प्लस 30, फिर प्लस 5 है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, कितना हजार है, 1000, कितना 100 है, 2, तो सैकड़ा वाले स्थान पे 2, ठीक है। फिर क्या है, 30 है, तो दहाई के स्थान पर 3, फिर कितना है, 5 है, इकाई वाले स्थान पर 5, कितना हो गया, 1235, ठीक है बच्चों। फिर बच्चों हम यहाँ पर करेंगे पांचवा सवाल, क्या कह रहा है, स्थानीय मान बताओ, ठीक है, यहाँ पे है 4085 में 4 का मान बताइए, तो कैसे करेंगे, इसको ही हम यहाँ पे ऐसे करेंगे, ठीक है, ये क्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। अब क्या करेंगे, इकाई हमारी कितना है, 5, यहाँ पे हम 5 लिख देंगे, फिर यहाँ पे दहाई है जो कितना है, 8, 8 लिखेंगे, इसके बाद कितनी संख्या है, 1 है ना, तो यहाँ पे 1 0 बना देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, सैकड़ा में 0 है, ठीक है, 3 0 हम यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि इसके बाद तो
दो संख्याएं और है ना जीरो के पास, फिर हजार में क्या है चार, तो हम यहाँ चार लिखेंगे और चार के बाद कितनी संख्याएं हैं तीन, या फिर चार में कितने जीरो लगते हैं, तीन जीरो लगते हैं ना, तो तीन जीरो लगा देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या बोला गया है, 4085 में चार का मान बताओ, चार का मान कितना है 4000, तो हमारा ये आंसर हो गया, कितना मान है 4000। वैसे यहां पर करेंगे ये, यहां पर 3210 में दो का मान बताना है हमें, ठीक है बच्चों। यहां पर इकाई लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर हजार, ठीक है। इकाई क्या है जीरो, फिर दहाई क्या है एक, ठीक है। उसके दहाई में कितना जीरो होता है एक, फिर कितना सैकड़ा कितना है दो, दो, ठीक है। सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं दो, यहाँ कितना है हजार कितना है तीन, और हजार में कितने जीरो होते हैं तीन, ठीक है। यहाँ पर दो का मान बताना है, दो का मान कितना है हमारा 200, ठीक है बच्चों। दो का मान कितना है 200, 5432 में तीन का मान बताना है, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। इकाई कितना है दो, ठीक है। हमें कितना मान बताना है तीन का, ठीक है। तो दहाई कितनी है तीन, और दहाई में कितने जीरो होते हैं एक, फिर सैकड़ा कितना है चार, चार, और सैकड़ा में कितने जीरो होते हैं दो, यहाँ कितना हजार कितना हजार है 5000, ठीक है। 5000 में कितने जीरो होते हैं तीन, तो हमें यहाँ पर तीन का मान बताना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, कितना 30, तीन का मान कितना है 30, ठीक है बच्चों। ये वाला मात्रा वाला है, 7364 में चार का मान बताना है, ठीक है। इकाई हमारी कितनी है चार, दहाई कितनी है छः, और दहाई में कितना जीरो एक, सैकड़ा कितना है तीन, और सैकड़ा में कितने जीरो दो, हजार कितना है सात, और हजार में कितने जीरो होते हैं तीन, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या करना है, किसका मान बताना है चार का, तो चार का मान कितना है चार है, ये हमारा आंसर, ठीक है बच्चों। बच्चों इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक सवाल किए हैं, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी इसलिए हम यहीं पर इस वीडियो रोकते हैं, और पार्ट 2 में हम इसके आगे के सवाल करेंगे, ठीक है बच्चों। आज हमने यहाँ इस क्वेश्चन नंबर 5 तक ईशानी मान बताओ यहाँ तक सवाल किए हैं, इसके आगे के सवाल हम क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 12 तक अगली वीडियो में करेंगे पार्ट 2 में, ठीक है बच्चों। बच्चों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।